परतम बंदन घरु देव जी जदियो नाम तत्सार दूरते वंदन राम जी जमेट्या ब्रह्म विकार तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पद रज पर सीता हंस उतर जविपा नमो नमो गुरुदेव जीर नमो नमो सब संत जन दरिया वंदन करे आदि अंति के संत रेण टूकले बीण तेर पुरब करूं प्रणाम बस्ती राम जी वंदन करे तालन पुर घरु धाम शरण सतगुरु दयाल कर मुख हरि दे हरि नाम नित पति संगत साधकी आजीवनी मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करोर सब वन कलम कटाय साथी समुद्र साही भरु सतगुरु गुण लिख्यो निजाय। बोलो राम। तो आज आप रेशमी राजा चंदूलाल को समाध बचे संत सुखराम जी महाराज जिन टाइम हमारा शिवणी पधारिया तो शिवणी राजा चंदूलाल बूझियो के आप मारवण आया आप कौन हो जन परम दया सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने आप ने वे संत बोलिया। तो राजा चंदूलाल क्यों भाई आप मने संत नहीं देख रहे हो क्योंकि महाराज रे कोई तिलक नहीं कोई कंटी नहीं कोई माला नहीं कोई जिनेऊ नहीं सादा भेष में ग्रस्त बेग में। तो ग्रस्त ने उन टाइम भी कोई संत नहीं मानता था आज भी नहीं माने। तो परम दया सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल ने आप समत भेद बता दिया। राजा ऐसा भेक हमारा रेदो जके बलिविद जाने कर्मे लके न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर मासु न्यारा। महाराज पर मारिया है कि हे राजा मारे ऐसो भेष पैर जोड़ है जो भेदी जन है जो सांसु सासु सतगुरु विधि भजन करे वो तो मने बलिविद जान सके और दूसरी करणिया कर्म करने वाला मने लग भी नहीं सके। करणी कर्म उपासना सबके मन भावे निराकार करता सुं मिलवो बीचावे और जोगी की कलना लके कर्मी को सेवे और नय कर्मी ब्रह्म ज्ञान है कर्मी मत सारा और जोगी तो सुखराम के दोना सुनियारा। तो महाराज फरमाया कि राजा तू मने ये जान नहीं सके और राम रटे परमेश्वर प्यारा जो राम जी महाराज भजन करे शिवरण करे वो परमात्मा रो प्यारो है और रे कर्मासु न्यारा। अब कपनी हमें समा की पैरेर ज्ञान गोदड़ी ओड़ी चोलो अजब दया कोर गल मेर कुबद कामणी छोड़ी। महाराज मारे के राजा कपनी हमें समा की पहनी कपनी पहनी तो समा रूपी कपनी मारे पैर ओढ़ी राजा और ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो कह गए झाड़ पिछाड़ी और बांदा मत कर झोड़ अनाड़ी और बार बार तू वचन उठापे और जम तोड़े लथारी झाड़ी। ये तो ज्ञान रवे एक ज्ञानी रवे। तो ज्ञानी तो संसार में बहुत है ज्ञानी सभी भ्रम में भूला और सो मुझ ना ही पिछाणे और उल्टी करे निंदा जुगमाई और निर्णो छानन जानी। ज्ञानी ने महाराज बहुत हल्का गिणिया है। तो महाराज कहे कि ज्ञान और ज्ञानी बहुत फर्क है। तो चोरो अजब दया कोर गढ़ मैर कुबद कामणी छोड़ी। हे राजा चोरो मारे कड़ो फेर रोए कि दया रूपी चोरो मारे गला में पैर जुड़े और कुबद रूपी कामणी मैंने छोड़ दी। अब महाराज के कामणी क्या स्त्री ने कोई स्त्री ने थोड़ी छोड़ी महाराज की सुमता और कुमता दो नारी है। सुमता रूपी कामणी ने मैंने धारण की है और कुबुद्धि कामणी ने मैंने छोड़ दी है। आज तक जितना भी साधु संत रिया चाहे सुरगुण भक्ति करी चाहे निर्गुण भक्ति करी और सब ग्रस्त में लिया और सबर उधार रियो हाथ काम मुग्राम और हृदय सांची पीत हाथ से काम करियो
मुखार मंद्रो परमात्मा नाम लियो और मैंने पूर्ण परमानंद प्राप्ति ली। देखो ब्रह्मा के घर नार, विष्णु के घर नार, नार गणपत घर होई और कुर्दम मुनि घर नार, नार पीरा संग होई और सुर तैतीसों देवता जहाँ घर नारी होई और ऋषभ देवसा देव नार भी रहान कोई और ए सब गर्भारी हुआ और हरिभज उतरगा पार और इनमें तो सुखराम कैर कौन इधको जुगमान। महाराज मारिया के वर्मा जी ने करे नारी, विष्णु भगवान ने करे नारी, शिव जी ने करे नारी, कुर्दम मुनिगढ़ नार नार पीरा संग हुई, जितना भी पीर पैगम्बरिया वेर करे नारी और ऋषभ देवसा देव नार भी रहान कोई। आदिनाथ रिया जो स्थित गर्भ में ऋषभ देव स्वामी वे भी नार में रहान कोई और ए सब गर्भारी हुआ और हरिभज उतरगा पार और इनमें तो सुखराम कैर कौन इधको जुगमान। इनो पतो संसार में कौन रह सके, ग्रह की काया ग्रह की माया और ग्रह का सबे पसारा और क्या सुखराम सुनो बेरागी और कौन ग्रस्त न्यारा। और जो ग्रस्त की निंदा करे वो परमात्मा का घर का खूनी है। ग्रस्त में जल में ग्रस्त को निंदे सो दरगाह का खूनी। तो कहने का मतलब वो है कि ग्रस्ती छोड़ दी, माता पिता छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, बेराग धन कर लिया और परमात्मा की भक्ति नहीं। तो कोई भी त्याग कर दे, माता पिता छोड़ दे, स्त्री छोड़ दे, मन में चले जावे तो त्यागन कहीं रहे सिर बदलो और जन्म दूसरे लूटे। माँ बाप ने छोड़े तो बदलो चुकाड़ो पड़ी। कोई तरह त्याग करे क्रिया कला जब तप साजन कूची मुद्रा गावे तो महाराज क्यों पहलो छह काल का मुख में और परम मोक्ष नहीं पावे। परम मोक्ष की प्राप्ति आज जब इन कोई काल रह के भेग पैरना आसान है पर भेद नहीं। पैर या भेग जगठ खा गया और अंकुर या फुलाई और क्या सुख राम भजन बिन दरगाह क्या कहो गिर भाई। आज भेग पैरना आसान है, दुनिया ने ठगनो आसान है, पैसा टका लेना बहुत सरल है, दुनिया ने ठगनो वो आचार आँख में अंजन और दुनिया ठगटक खाओ, दुनिया ने ठगनो बहुत आसान है। आप तो बुआ जात हो रे पांडे और दुनिया सकल बुआई। अरे पंडिता थे तो डूबो जो को डूबो जो पर दुनिया ने क्यों डूबाओ। ये पाखंड बड़ा मत करो, पांडे पाखंड कहाँ चलाओ के सत सबद बिन मुक्ति वेली और केवल हुनर लाओ और एक ही ब्रह्म और नहीं कोई और तुम दुबदिया बतलाओ। आप तो बुआ जात है पांडे दुनिया सकल बुआई। ये पंडिता थे तो बुआई वो दुनिया ने मत बेवड़ो। जितना भी साधु संत आज तक रिया है सब ग्रस्त में रिया, भजन करियो शिवरण करियो कोई हाथ मुंडा के हाथ नहीं पेसारियो। साधु तो भाव का भूखा और धन का भूखा नाय और जे धन का भूखा फिरे और वे तो साधु नाय। पैसा टका लेवे मान बढ़े चावे चतर सब ढोले खूब मेला भरावे ये साधु पड़ा लक्षण नहीं है। जितना भी आगे भी साधु रिया, दरियाव जी महाराज रिया, कबीर साहब रिया, सुखराम जी महाराज रिया, राघुदास जी महाराज रिया, राणा भाई जी महाराज या सब गुप्त सेवन करियो, छाने करियो बौरा में बैठने, कोई टेकरी माँ जाए बैठने करियो, भजन करियो छाने करियो। और आज अपना थोड़ा उससे भजन रहे तो दिखाओ करा खूब तो मेला भरमा खूब जुलूस करना और देखे हमारी यश कीर्ति बड़े संसार में माने कोई संत माने कोई कह उन्होंने संत नहीं माँ कह सके। आई इसमें संत बनो तो भक्ति करो सेवन करो चढ़ साधु संत पाजो। तो महाराज कह रहा है के रम तारे संग रमुर जुग माईर इन मन को शिष के नाम सत सबद सोरे गुरु रे हमारा तत तिलक सिर दीना। देखो महाराज कहीं फरमा रहा है कि हे राजा रमता संग रमु जुग माई, इन संसार में मैं रम रही हूँ पर इन मन को शिष के नाम, मनीरा मेरा शिष्य है और सत सबसो गुरु हमारा, मारा गुरु कौन है के सत सबद। यूँ कौन क्यों हमारे गुरु वीरमदास जी महाराज है, गुरु भी रम कृपा करी और देवी भक्ति बताए और नहीं तर तो सुखराम के में ही रहते पिस्ताए। वे तो एक निमत गुरु है जो अपने भेद बताने वाला गुरु है। आई समझे बाकी आत्मा गुरु है नहीं जो परमात्मा सत्सबद कह दो चाहे नयचर कह दो चाहे निज नाम कह दो चाहे कुदरत कला कह दो वो ब्रह्म विराट सुहाय तन विराट में प्रकट रहे वो उन्हें गुरु है। उन्हें सत्सबद भी कहे और पूरी सृष्टि ने ताड़ना और क्षमताओं में रहे सतगुरु। पहले सतगुरु परिभाषा समझो, सतरो मतलब असत नहीं रहे नाश नहीं रहे अभाव नहीं रहे उनके सतगुरु। सतगुरु सतगुरु कह दिया और सतगुरु हुआ न कोई और सतगुरु की अंग सू और ना प्रचासू हो। सतगुरु कोई अंग नहीं रहे
ना कोई परचा दड़ो कोई सतगुरु है, सतगुरु सत का शब्द है और जे जाने कोई भेद। परमात्मा की सतारो भेद जाने नहीं, वह सता आए ने प्रगट लिया करे। क्यों सत्य में सत प्रगट रहे, पति रह लड़ सती रह जा। जो सूरवीर रहे सूरवीरपण आयन में प्रगट को वो लड़े लड़ सके। ऐसे में इन्हीं तरह संतर में जो सत प्रगट जो परम विराट सो आने तन विराट में प्रगट जा और भजन करियोड़ो बिना करियोड़ो अपना आप ऑटोमेटिक राउंड हो जा। तो महाराज के तत् तिलक सिर दीना, ये राजा मारे तत् नाम रो मारे तिलक लागोड़ो है। वो तिलक क्या काम का कि धोया उतर जाए और राम तिलक सुख राम के शीश विराज आए। वो माला क्या काम की कि तोड़िया ही टूटे और राम माला सुख राम की खोटी नहीं खूटे। माला की कि माला सांस उसांस की और फेरे है निजदास और चौरासी भटके नहीं और कटे कर्म की फांस। माला की रणी के माला सांस और उसांस में आवता जावता संतर शिवरण रणो बीस नाव जावता बीस नाव आवता बराबर तुलवा नाव आए नहीं। और इसी विधि में ऐसा गुण है जो को बीस नाव जमता ही जिन्हें अपना सशब्द क्या जवान जिन्हें नैंचर कहवा जिन्हें कुदरत कड़ा कहवा वह विधि में गुण जो ब्रह्म विराट सुन आय न तन विराट में प्रकट हुए। पच पेलिकंठ पच हृदय स्थान पच मध्य स्थान पिछ नाभि छह पूर्वरा कमड़े है छह पिछमरा कमड़े है। उन्हें छेदन कौन करे कि परमात्मा स्वरूप आयन प्रकट है जो आनंद लोक तो नैंचरी पूगे और ओरन पहुँचे कोई। आनंद लोक में तो महाराज के वह परमात्मा सतायन प्रकट हुए और वो जो आनंद लोग मिले जान मिला सके। बाकी शरीरदारी में कोई शरीरदारी तो एक निमित्त गुरु रहे भेद बता सके रस्तों बता सके। परदेसी पर भोम गेल बूझे घर आवे पर चले अपने पाँव दिन सो पंत बतावे। रास्ता बतावे दिन है पर चालू अपने खुद न पड़े। आप देखा अपने गुरु महाराज में उसमें ले जाए गुरु महाराज अपने उद्धार कर दे तो आ बात नहीं। तो महाराज के ब्रह्म ज्ञान के गुरु ने चेला ब्रह्म ज्ञान के ना तो कोई गुरु है ना कोई चेला है। गुरु है गुरु की परिभाषा रहे ज्ञान, ज्ञान सु विज्ञान आवे और विज्ञान सु समाज लागे। तो पोती पाठ वेद सब गीतार अणबे का पट खोलूं द्वादश मंत्र गय तरीर मेरे सतस बद मुख बोलूं। महाराज बड़ के राजा पोती पाठ वेद सब गीता मैं अणबेरा हैंग पट खोल रहे थान बिन बिन करना समझूं के चार वेद है छह शास्त्र है अठारह पुराण है ये सृष्टि रचना बनाने वाते सृष्टि की उत्पत्ति वाते बना रहा है। अणबे का पट खोलने निर्णयों को महाराज अपने समझा रहा है कि द्वादश मंत्र गायत्री मेरे ये गायत्री मंत्र लिया करे जैसा जैसा मंत्र करी जैसो जैसो काम रही। तो महाराज के सत शब्द मुख बोलूँ सत शब्द के आधार से मैं बोल रही हूँ कि जैसे जैसी करनी करी उन करने रहा फल मिली फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे कोई। फल पाए जाए पदवी मिल जाए गर्भ वासो जन्म ना मरना चक्र तो जड़े मिटे कि जो परमात्मा की सत्ता इन्हें प्रगट रहे और करियोड़ो और बिना करियोड़ो भजन ऑटोमेटिक रहे। सुरगुण सेवा सो सही मुख सो सिमरे कोई और निर्गुण सो सुखराम के बिन रचना सो होय और पापी को जमद्वार है पुण्य को सुरलोक और सुरगुण भक्ति विष्णुपद और निर्गुण भक्ति मोक्ष। महाराज कोई बात की कमी नहीं रखी सुरगुण सो निर्गुण प्राप्ति रहे। सुरगुण की जगह अपना मुखार बंधु राम राम रटा सुरगुण है राम राम तो मुखार बंधु रटना ही पड़ी। मुख रटना बिन नाव बाहर लो इन घट आवेला नाई मुखार बंधुरो श्रवण करिया बिना बालो नाम निजना कुदर करा वो सपना में प्रकट नहीं रह सके। रचना चलावनी पड़ी क्योंकि गुण है रटना के अंदर है। मरा लिखो रटने की विध टाल के और साधन करो अनेक सो सब हद का ख्याल है नाना विध का लेख नाना विध का लेख परम पद का देन पावे और ने अंचर बंगनाल पिचम को भेदन पावे और हद बे हद में सब थके वेद भेद कर देख और रटने की विध टाल के साधन कर जो अनेक। संसार में अनेक प्रकार साधन है सेवा करो पूजा करो जीक करो व्रत करो नेम करो पुण्य करो दान करो कोई निर्फल नहीं जावे जैसी जैसी करने करो उन्हें फल पाए। तब तीरथ के ता करो व्रत नेम पुण्य दान और सुख सारण संसार में तुले नाम समान नावरी बराबर तो कोई तुलना रहनी। और महाराज के शुभ कर्म करो नहीं तो भक्ति रांकुर प्रगटेगी। महाराज कोई मना नहीं करियो भाई शुभ कर्म मत करो कई वर्ष शुभ कर्म करे जब प्रकटे भंग तांकुर और ता पीछे सुखराम के भजन करे भरपूर और भजन करे भरपूर जबे ज्ञान घट में रावे और कई जन्म गे ज्ञान तबे अड़मे को तोई सुखराम दास अड़मे परे और कई वर्ष लियो ध्यान
और ता आगे पड़ा भगत है कोई पावेला संत सुजान। खाली मुंडो कह दियो मोक्ष, दो होठ भेड़ा कर दिया कोई मोक्ष यूं तो डरे। मोरो सह परम मोक्ष यूं कहत है पर कोई जन बिरले जाए। जहाँ को अर्थ विचारे सुनो सकल नर आण, सुनो सकल नर आण गेला मिलेन कोई, और जे आ गेल मिलगी तो धारने मुश्किल होई। क्यों के खांडा एकड़ म्यान में और परतन मावे दो, और इस विध घर का दंद में और हरि सिमरण नहीं हो, हरि सिमरण नहीं हो घाल मतोड़ा माय फिकर में उम्र जावे, और कह रागो सतबाद भजन बिन फूटे भांडा, और परतन मावे म्यान दो एकड़ में खंडा। एक म्यान में दो तलवार गाले चावे, एक म्यान में दो तलवार आ जाई। माया भक्ति एक टी और भेड़ी नहीं रेवे, और इन कारण सुखराम के जन को दुख देवे। इन बात महाराज के इन परमात्मा वो जन बड़ो भारी दुख है। मन चावे माया मिले और तन चावे आराम, और दुबदिया में दोनों गई और माया मिले न कोई राम। भक्ति दाय पड़े तो कीजो, और जे तुम्हारा मनीराम नहीं है ठिकाने तो दोष गुरन मत दीजो। गुरु मतलब ज्ञान में कोई तरह दोष मत कीजो। भक्ति श्रवण करनो पड़ी, बिना करिया तो मोक्ष में कोई आज रहे कोई काल इसके। तो बड़ा समझा रही अपने के राजा धीरज धरण लंगोटी रणार आड़ बंद मत मेरी आदे बीणा तात सब नाड़ियार रागान हद गेरी। महाराज कहीं फरमा रहे के राजा धीरज धरण, धरण के प्रति माता ने, प्रति माता रे तो धीरज है, चाहे कूड़ो नेको चाहे कचरो नेको कोई भी वजन दे दो प्रति माता सहन करने वाली तैयार है। और ये प्रति माता पाप सहन नहीं करे, पाप करियो नहीं कह तो भूकंप आई कह ज्वालामुखी आई और थोड़ा से प्रति माता हिलाइ दियो तो है धरा सही। और आ माँ क्यों है कि अपनी प्रतिपालना धरती माता करे। आज संसार में जितो भी होनो है, चांदी है, लोड़ो है, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, भाटो है, चूनो है, कोई भी चीज़ है कोई धरती माता में निकले। और आज अपना शरीर भी धरती माता निकलो रहा है, वो कितना मिट्टी रोपड़ी हो रहा है और एक दिन मिट्टी में मिल जाए। तो कहना मतलब धीरज प्रति माता समान, और आड़ बंद मत मेरी मती ने तगड़ बंद गाड़ी रखो, हिलो डिलो मती, हिले डिले तो कट मरे और निश्चय उतर जावे पार। महाराज जो ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो, और कह गए झाड़ पिछाड़ी और बांदा मत कर झोड़ अनाड़ी, और बार बार तू वचन उतापे और जम तोड़ेला थारी झाड़ी। ज्ञान ने था प्यों उठावे तो महाराज के जमरा हाथरी मार खानी पड़ेला। तो आदे बीण तात सब नाड़ियार रागा नहद गेरी। महाराज अपने समझा रहे कि राजा आदे है जो बीण है, और जितनी भी नाड़ियाँ वो तार है, इनो 36 राग जैसी राग निकले, राग 36 राग बंद गावे और गुण प्रकटावे। तो ही तो महाराज के इनो कई तरह जब शिवरण भजन करे तो कई तरह रागा खुल जा, कई तरह ज्योति प्रकाश उंडू जा, कई तरह री हीरा जड़ी बिस्कर उंडू जा, ये चैन चमत्कार है वह माया रहा। आइसमें तो ध्यान की आंसू निजरिया आवे, सो सब माया चैन का आवे, और ब्रह्म की कला कहने में नहीं आवे, और ना मूर्त ना ज्योत का आवे, और ना कुछ बाज उजाला हुई। बोलो राम।